तो फील गेम फैमिली माय राइस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और ये बिल्कुल ही नया और फ्रेश एपिसोड होने वाला है क्योंकि ना सिर्फ मैंने अपने प्लेयर रॉकी का लुक और फाइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया है बल्कि इसके साथ साथ अब रॉकी की पूरी कहानी भी चेंज होने वाली है और वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे। आपको याद होगा कि जब मैं मंडे नाइट रॉ में आया था तो सेथ के डिसाइपल बडी मर्फी ने मेरे से हेल्प मांगी थी और मैं सेथ रॉलिंग से खिलाफ चला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा भाई क्योंकि इस बार ही रॉकी ज्वाइन करने वाला है सेथ रॉलिंग्स को एज अ डिसाइपल बनके। तो चलिए इसको कंटिन्यू किया जाए और इससे पहले के 22 एपिसोड्स अगर आपने मिस कर दिए हैं तो सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उन सबको देख लेना। अगर उनको नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही नई कहानी आने वाली है। तो चलो इसको कंटिन्यू किया जाए। तो नए लुक के साथ रॉकी मंडे नाइट रॉ में आ चुका है। GM Mandy Rose and the WWE Universe are lucky to have this superstar on Monday Night Raw. I know he's accomplished a lot in other places, but let's see how he does here on the red brand. Then we'll talk. तो हर कहानी को अब अलग टाइप से हम लोग खेलेंगे जो कि 22 एपिसोड्स में खेल चुके हैं और NXT में भी जाएंगे इसके बाद जो कि अधूरी रह चुकी है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अब सिर्फ माय राइज की वीडियो आती रहेगी भाई रेगुलरली। मुझे ये वाली कहानी ना हमेशा से देखनी थी कि अगर मैं बडी मर्फी का साथ देता हूँ, सेथ का डिसाइपल बन जाता हूँ तो क्या कहानी बाहर निकल के आती है। ये देखो, बडी मर्फी ने लास्ट टाइम भी मदद मांगी थी तो सेथ को मेरे से एक फेवर चाहिए। अगर सेड्रिक अलेक्जेंडर को मैंने पीट दिया तो सेथ मुझे उनका डिसाइपल बना लेंगे जरूर, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद धोखा दूंगा सेथ को, या पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मजा आने वाला है। तो अली और ऑस्टिन थ्योरी के साथ साथ अब रॉकी भी तैयार है डिसाइपल बनने के लिए। बैकस्टेज में अटैक करना है सेड्रिक अलेक्जेंडर पे, जरूर भाई चलो अटैक करते हैं फॉर द ग्रेटर गुड, मारा जाए जाके सेड्रिक अलेक्जेंडर को। This superstar looks determined tonight. सेड्रिक आ रहा है भाई पीछे से रॉकी। Whoa. तो हाथ का नया टैटू भी आप लोग ने देख लिया होगा, पूरा मैंने लुक चेंज कर दिया है, फाइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो रॉकी की बॉडी भले ही हेवी वेट है लेकिन रॉकी का फाइटिंग स्टाइल हाई फ्लायर वाला है, वो अभी आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा और रिंग के अंदर ना ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अच्छा ये रिंग अटायर है ठीक है, एंट्रेंस अटायर अलग है, वो जब एंट्रेंस करेगा रॉकी तब पता चलेगा। एंट्रेंस भी मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया, तो ये रॉकी 2.0 है भाई, ये जो अभी तक 22 एपिसोड तक आपने देखा वो रॉकी नहीं है। लुक भी चेंज हो गया है, एंट्रेंस भी चेंज हो गया, फाइटिंग स्टाइल बॉडी बॉडी भी बढ़ा लिए भाई साहब ने। स्टिंग का डंडा मिल गया है, इससे सेड्रिक को कूटा जाए। देख भाई सेड्रिक तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन अब सेथ को ज्वाइन करना है तो कुछ तो करना होगा ना, मेरे डंडे से मुझे ही मार। ठीक है सेड्रिक आ जा भाई, आधी ज्यादा हेल्थ तो मैंने खत्म कर दी है, नॉकआउट करना होगा क्योंकि ये कोई ऑफिशियल मैच तो है नहीं। सेड्रिक में मैंने बैकस्टेज में अटैक किया है तो सेड्रिक को इतना पीटना पड़ेगा कि भाई साहब नॉकआउट हो जाए, यानी कि एक आध फिनिशर तो लगेगा ही। केंडो स्टिक तेरे ऊपर टूटेगा भाई, देखो केंडो स्टिक मारने का ना फॉर्मूला मैंने कर लिया है क्रैक, अटैक जब करे तब भागो और घूम के एक स्टिक, फिर ये अगर रिवर्स करता है, अभी ये अटैक करेगा मैं भागूंगा घूम के स्टिक, रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो ये मैंने क्रैक कर लिया है। तो ये है भाई एआई को केंडो स्टिक मारो फॉर्मूला, मार मार के मैंने केंडो स्टिक भी तोड़ दिया। सेड्रिक की हेल्थ गई, सेथ देख रहे हो ना, देख रहे हो कितना मेहनत कर रहा है रॉकी यहाँ आके बैकस्टेज में, ज्वाइन करवा लेना सेथ, देखते रहो ध्यान से, मेरी हेल्थ भी ज्यादा है। सेड्रिक मार खा भाई मार खा, इज्जत का सवाल है रॉकी का। सेथ ध्यान से बैठ के अपने लॉकर रूम से देखते रहो, देखो कैसे नॉकआउट करता हूं मैं सेड्रिक को फॉर द ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड ओपी होना चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, इतना पिट गया सेड्रिक, बस मेरा सिग्नेचर आने ही वाला है। अच्छा सिग्नेचर फिनिशर सब चेंज कर दिया है, मेरे को भी आइडिया नहीं है कि सिग्नेचर फिनिशर क्या है। ये जो फाइटिंग स्टाइल है ना हाई फ्लाइंग, उसी के साथ नया सिग्नेचर नया फिनिशर मिला है, मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या है सिग्नेचर। तो चलो अभी देख लेते हैं क्या है, रिंग के अंदर हो सकता है सिग्नेचर कुछ और रहा है भाई, ये तो सिग्नेचर ही नॉकआउट हो गया। चलो अच्छा ही है, सेथ देख लिया ना कितनी आसानी से सेड्रिक से पीछे छोड़ा दिया है। तो बडी मर्फी ने मैसेज किया कि मिसाया यानी कि सेथ रॉलिंग्स खुश हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी और क्या क्या करवाए भाई, झाड़ू पोछा करवाए क्या। ओके रिकोशे को अच्छा नहीं लगा कि उनके दोस्त सेड्रिक पे अटैक किया, तो उनको अब बदला चाहिए, तो मुझे बडी मर्फी के साथ टीम अप करके फेस करना होगा ग्रेटर गुड के लिए। ग्रेटर गुड के लिए भाई रिकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर की टीम को। तो ये कहानी जस्ट अपोजिट चल रही है, याद है एक सेकंड सेथ ने ट्वीट किया है, सेथ का मूवमेंट तेजी से फैल रहा है और नए सोल्जर्स ने उनके पाथ को ज्वाइन किया है और एक दिन वो डिसाइपल बन जाएंगे, यानी कि मेरी बात कर रहे हैं सेथ, नाम ले लेते अच्छा लगता लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी एंट्रेंस अटायर आपको देखने मिल जाएगा लेकिन ओरिजिनल एंट्रेंस देखने नहीं मिलेगा क्योंकि बडी मर्फी भी साथ में लटक के आ रहा है, बडी यार अभी नहीं आता मेरे साथ, मेरा एंट्रेंस देखने मिलता लेकिन कोई बात नहीं। चलो सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशे को हराना है टैग टीम मैच में, उतना मुश्किल नहीं होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम कहानी में क्या हुआ था, मैंने सेड्रिक के साथ टीम अप किया था और फेस किया था बडी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी या फिर मुस्तफा अली को।
ऐसा कुछ। लेकिन क्योंकि इस बार सेथ को ज्वाइन करने जा रहा हूं मैं, इसलिए बड़ी मर्फी के साथ टीम अप कर लिया है। अच्छा, 3-on-1 मैच भी मेरा हुआ था याद है, और उस मैच में मेरे अपोनेंट सेथ के तीनों डिसाइपल थे, बड़ी मर्फी, ऑस्टिन थ्योरी और मुस्तफा अली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ही सेथ को ज्वाइन कर लिया है। सेड्रिक भाई अब ज्यादा नहीं मार लिया, पिछले मैच का बदला निकाल रहा है क्या? तो क्योंकि फाइटिंग स्टाइल रॉकी का चेंज हो गया है, तो थोड़ा हाई फ्लाइंग स्टाइल आपको दिखाया जाए। तो ये सब मूव्स मैंने असाइन नहीं किए, मैंने अपने प्लेयर को हाई फ्लायर बना दिया और हाई फ्लायर के साथ जो भी मतलब डिफॉल्ट में मूव्स होंगे वो सब आ गए। लेकिन खतरनाक मूव से भाई, बस मुझे उछल कूद करते रहना है रिंग में, जो कि मैंने जब करियर मोड स्टार्ट किया था ना तभी से मेरा मन था। लेकिन उस टाइम मैंने हाई फ्लायर बनाया नहीं था अपने प्लेयर को, टेक्नीशियन बना दिया था। लेकिन इस बार ये हाई फ्लायर बनाया, पूरे मजे लूंगा भाई। सेड्रिक भी ऐसे हाई फ्लायर ही है और रिकोशे तो है ही हाई फ्लायर। बड़ी टैग ले ले जा, बड़ी को भी मैं ही संभालूंगा, बड़ी जाके मार, बड़ी याद रखना, मिसाया देख रहे हैं, उड़ के लात मारी बड़ी ने। बड़ी कैसे कैसे मूव्स है, ये मैं फर्स्ट टाइम बड़ी मर्फी से खेल रहा हूँ करियर मोड में, क्योंकि इससे पहले बड़ी मर्फी हमेशा अगेंस्ट ही था। अब आते सेड्रिक, बहुत ज्यादा रिवर्स कर रहे हो, लास्ट मैच है तो फटाक से नॉकआउट हो गए थे, इस बार कौन सा चूरन खा लिया है? रिकोशे को देख के जोश में आ गया क्या सेड्रिक अलेक्जेंडर? रिकोशे को टैग मत देना भाई, जो भी करना रिकोशे को टैग मत देना, बड़ी की वाट लगा दे। बड़ी एक काम कर जा भाई, रॉकी को टैग दे दे, बड़ी के लक्षण मुझे सही नहीं लगे। चला मैं रॉकी को टैग दे, रॉकी आ जा, रॉकी इस बार सेड्रिक को इतना पीटना ना समझ में आ जाए ग्रेटर गुड क्या है। चलो सिग्नेचर भी मेरा नहीं वाला है, पूरी चीटिंग करूंगा भाई, मैं ऐसे भी हील सुपरस्टार हूं, डर्टी पिन करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब तक बहुत ज्यादा पीट नहीं लोगे तो डर्टी पिन होगा नहीं। अरे रिकोशे टैग ले लिया यार, इस बार ही सेड्रिक अलेक्जेंडर पीटने लगा तो रिकोशे भाग के आ गया, अच्छा खासा पीट रहा था, सारी प्लानिंग बना के आया था सेड्रिक के लिए। लेकिन अब रिकोशे तू पीटेगा भाई, सिग्नेचर आ चुका है क्योंकि मेरा, इसको भी मारेगा रॉकी और तेरे को भी मारेगा। सेड्रिक की हेल्थ मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। अरे रिकोशे डिस्टर्बिंग एलिमेंट, खतरनाक उल्टी लात मारी यार रिकोशे ने, ओपी लात थी, जबकि मैं गार्ड करके खड़ा हुआ था। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर का बदला लेने आया रिकोशे, सेड्रिक का दोस्त भाई रिकोशे, और बदला ले रहा है लड़का। लेकिन मैच जब जीतेगा तब ना बदला पूरा होगा। पेले किक पे पेले किक मार रहा, रुको बताता हूं इसको, सिग्नेचर देने नहीं दे रहा भाई, मेरा सिग्नेचर है क्या? आरक्यू भी दे दिया इसने, सिग्नेचर है क्या मेरा? लेकिन भाई ऐसे तो इसका सिग्नेचर आ जाएगा, पूरी हेल्थ बचा के रखी है रिकोशे। अब तेरा टकला तोड़ता हूं मैं, रुक जा, बहुत हो गया। बड़ी जा तो भाई, ग्रेटर गुड के लिए मार जाके, मैं अपनी हेल्थ क्यों खत्म करूं? बड़ी है ना इस काम के लिए, खूब पीटना भाई बड़ी, ऐसे बड़ी को भी मैं ही संभाल रहा हूँ। 2K22 में ये अच्छा है, मैंने बार बार बोला है कि माय राइज मोड में टैग टीम पार्टनर को हम लोग नहीं संभाल सकते थे, लेकिन इस बार ये ऐसा चेंज कर दिया है, टैग टीम पार्टनर को भी आप ही खेलोगे, तो ये बहुत बढ़िया काम किया भाई 2K ने। अपडेट में ना और नई नई स्टोरी घुसा देना, बस और क्या चाहिए यार, पूरा साल भर चल जाएगा गेम, 10-5 स्टोरी ऐड करते रहे भाई तो माय राइज मोड कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी तो फिलहाल बहुत सारी स्टोरीज बच गई है। रिकोशे यार जिसको देखो पीटे जा रहा, अभी बड़ी मर्फी आया, बड़ी को भी मार के भागना मत, रिकोशे भाग गया, रिकोशे ही का पिनफॉल करवाता, लेकिन भाग गया, अच्छा ही है। जा भाई रॉकी, फिनिशर है ही, लेकिन अभी फिनिशर नहीं दे सकता। सेड्रिक ने थोड़ी हेल्थ रिकवर कर ली भाई अपनी, मूव्स पे हैंडल होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये हाई फ्लाइंग मेरे लिए बिल्कुल नए मूव्स है। सेड्रिक ने दिमाग खराब कर दिया, रुको फिनिशर लगाता हूँ, फिनिशर ये मेरा फसाक, पिनफॉल भी कर लेता है। अरे वाह बढ़िया, बड़ी रोक जाके रिकोशे को, ऐसे पिनफॉल तो नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगा ही था किक आउट कर देगा बड़ी, लेकिन कोई काम का नहीं भाई, तू एक बार डिसाइपल बन गया ना, सबसे पहले बड़ी मर्फी को निकलवाऊंगा। देखो प्लान पूरा साफ है, सेठ की टीम को ज्वाइन करना है, उसके बाद सेठ की टीम को इस बार अंदर से तोड़ना है, लास्ट टाइम बाहर से तोड़ा था लेकिन इस बार अंदर से भाई खुराफात करके सेठ की टीम तोड़ने के बाद उनकी WWE चैंपियनशिप छीन लेनी है। तो WWE चैंपियनशिप तो छीननी है, अल्टीमेटली वही गोल है अपना, लेकिन साथ में नई कहानी भी देखने मिलेगी। सेड्रिक इतना पीट गया भाई, अब फंसा के भी लगता है पिनफॉल हो जाएगा सेड्रिक का, ऐसे सिग्नेचर भी आ गया भाई साहब के पास। अब सेड्रिक टैग ना ही दे तो मेरे लिए अच्छा है। रिकोशे जा भाई नीचे निकल जा, सिग्नेचर फिनिशर मेरे पास आ ही गया है, बस रिवर्स मत करना सेड्रिक, मैच खत्म है। फिनिशर जब छीन लेता ना ये लोग, बड़ा बुरा लगता है, वो भी मेन टाइम पे। अरे पिनफॉल नहीं होगा यार, कुछ तो मारा ही नहीं, गाय का पिनफॉल। अभी अगर फिनिशर खा लेता रिकोशे, स्टंट था नीचे, टैग मत दे दो, इससे बुरा क्या हो सकता था, सेड्रिक का पिनफॉल होने वाला था, जाके टैग दे दिया। सेड्रिक को बहुत ज्यादा पीट दिया है, तो वापस टैग दिलवा के सेड्रिक को बुलाना होगा। आ गया रिकोशे, दिमाग खराब करने आ रहा है, सिग्नेचर अभी देखे गया यार सेड्रिक, वो भी उछल कूद के सिग्नेचर देखे गया था। मेरा सिग्नेचर है क्या, देने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन रनिंग सिग्नेचर है, अच्छा
रिकुशी को फिनिशर देके कोई फायदा नहीं है, एक काम करते से टैग दिलवाते हैं। ले भाई सेड्रिक यार टैग लेके अंदर आ जा, रिकुशी ने भी तो टैग लिया था। सेड्रिक चालू है, जान रहा उसकी हेल्थ कम है, जान दूसरी टैग नहीं ले रहा। अब रिकुशी को इतना पीटना पड़ेगा ना कि रिकुशी भाई साहब खुद से जाके टैग दे दे। बड़ा बदला लेने आए थे सेड्रिक अलेक्जेंडर का, अब आपका बदला कौन लेगा? यार तीन तीन चार चार डिसाइपल हो गए हैं, टीम बड़ी होती जा रही है। सेड्रिक टैग ले लेना बेशरम। अरे कैसा दोस्त है यार भाई, ये सही दोस्त नहीं है यार, मदद करते बुलाया टैग भी नहीं लेता रिकुशी से। रिकुशी को ही मैं फिनिशर दे दूंगा, दिमाग खराब हो रहा मेरा, लेकिन वेस्ट हो जाएगा फिनिशर। रिकुशी जाओ ना टैग दे दो ना, सेड्रिक तड़प रहा है टैग लेने के लिए, रिकुशी टैग दे रहे नहीं है, सेड्रिक टैग ले रहा नहीं है। भाई कैसे होगा, रिकुशी का ही पिनफॉल करवा लिया जाए क्या? लेकिन एक फिनिशर में ये लोग यार किकआउट कर देते, लेजेंड मोड में है ना, लेजेंड मोड में एक से दो फिनिशर में किकआउट कर देते, और सेड्रिक को एक फिनिशर लगा दिया है तो ज्यादा चांस है कि सेड्रिक किकआउट नहीं करेगा। खतरनाक मून सॉल्ट था, भले ही मिस कर गया वो अलग बात है, लेकिन मूव्स अच्छे अच्छे हैं भाई। हाई फ्लाइंग मूव आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। लास्ट टाइम टेक्नीशियन था रॉकी, लेकिन इस बार हाई फ्लायर बन गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। टैग नहीं ना लेगा भाई, ले यार, कैसा आदमी है यार, कितना पिटते हुए देख। हाँ फाइनली जा भाई टैग दे यार, और नीचे स्टैंड होकर चले जाएंगे, अब तो मैच अपने हाथ में है, खत्म किया जाए मैच। अरे ये खड़ा हो गया यार, किस्मत मेरी इतनी खराब है, स्टैंडो के नीचे जाने वाला था, हद तेरी की, तीन हो जाता। बड़ी मर्फी भी कोई काम नहीं आया, ऐसे मेरे पास सिग्नेचर फिनिशर आ ही गया, चलो ये अच्छा है। ऐसे भी शायद किकआउट कर देता सेड्रिक, थोड़ी सी हेल्थ बची थी। एक और फिनिशर आ गया, लेकिन इस बार यहाँ पे नहीं दूंगा, या पहले रिकुशी को गिराना जरूरी है, रिकुशी गिर जाए उसके बाद ही कुछ करूंगा भाई। थोड़ा सा आ जाए इधर, ये फिनिशर में फायदा है अपने को, ये फायदा है ना कि फंसा के पिनफॉल भी कर लेता है साथ ही साथ। रिकुशे भाई देखो गड़बड़ी मत करना प्लीज, इसी को बोलते हैं गड़बड़ी यार, क्यों ये लोग मेरे प्लान की बत्ती लगा देते हैं, पूरा मार खाते रहते हैं, जो मेन प्लान का टाइम आता है ना बत्ती लगा देते हैं ये। नीचे चले और रिकुशे बदमाशी नहीं, अरे रिकुशे मस्ती नहीं, चलो ठीक है रिकुशे गए बाहर। सेड्रिक होश में आ जा भाई, अरे वाह बड़ा सही टाइम पे होश में आया है, सिग्नेचर लगा दिया पिनफॉल को, शायद मच जाएगा। एक काम करते फिनिशर देते उसके बाद ही करवाते हैं, रिवर्स नहीं करना, बहुत बड़े भाई अब तो जीत अपनी है। रेफरी पिन कर यार, खत्म कर इसको, वन टू, पिनफॉल हो नहीं था इस बारी। रिकुशे को भी एलिमिनेट करना है क्या? सेड्रिक का नाम हट गया था, मुझे लगा एलिमिनेशन मैच है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों डिसाइपल मैं अभी बना नहीं हूं, लेकिन मैं फ्यूचर में बनने वाला हूं भाई डिसाइपल। तो सेट खुश होना, नाम ले लेना इस बारी भाई, बोलना कि रॉकी मेहनत कर रहा है, बॉडी बॉडी भी बढ़ा दी भाई रॉकी की। अपना एंट्रेंस मुझे देखने ही नहीं मिला, ये टैग टीम मैच जब तक हट नहीं ना जाता है, सिंगल्स मैच नहीं होगा तब तक ये न्यू वाला एंट्रेंस हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन टेंशन मत लो आज तो देखेंगे ही। ओके ने अच्छा परफॉर्म किया है, थैंक यू बडी मर्फी। अच्छा एक और चीज प्रूफ करना है, आप क्या प्रूफ करना है भाई, क्या करने का बताओ? मेरी लॉयल्टी प्रूफ करेगी, वफादारी दिखानी है। अच्छा ठीक है, लेकिन कैसे, कितना टाइम लेता है मैसेज टाइप करने में, जल्दी बता यार। अच्छा रिकुशे इंजर्ड हो गया था और सेड्रिक अलेक्जेंडर के पास कोई बैकअप नहीं, 3-on-1 मैच में फेस करना है। इस बारी मैं 3 की तरफ हूँ और 1 सेड्रिक अलेक्जेंडर है। अरे वाह यार, जरूर जरूर। तो रॉकी ने बोल दिया कि अपोजिशन वीक है, यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर वीक हो रहा है अभी, और अभी हम लोग अटैक कर सकते हैं फॉर द ग्रेटर गुड। तो अभी अली और ऑस्टिन थ्योरी के साथ मिलके फेस करना है भाई सेड्रिक अलेक्जेंडर को, 3-on-1 मैच, अब तुम झेलो भाई, लास्ट टाइम मैंने ये झेला था। At a combined weight of 671 pounds, the superstar, Austin Theory and Mustafa Ali. तो अपनी एंट्रेंस अभी भी देखने नहीं मिली है भाई, जब तक ये टैग टीम मैचेस खत्म नहीं हो जाते या फिर मल्टीपल लोग मेरे साथ आने बंद नहीं हो जाते, तब तक मैं अपनी एंट्रेंस देख ही नहीं सकता हूं। तो चलो वेट करना होगा सिंगल्स मैच के लिए, इसके बाद आई थिंक सिंगल्स मैच हो जाएगा। अब सेड्रिक देख ले भाई तेरा क्या हो गया, लास्ट टाइम मैंने यही झेला था 3-on-1, बहुत सताया था तीनों ने मिलके मुझे, शायद बडी मर्फी थे ना उन लोगों के साथ, हाँ बडी मर्फी थे, बहुत सताया था भाई। अब तो सेड्रिक पिटना ही पिटना है, विन द मैच बाय पिनफॉल और सबमिशन, चलो ठीक है ये ऑब्जेक्टिव मुझे सही लगता है। पिनफॉल सबमिशन दे दिया, ज्यादा कुछ करना नहीं है, किसी से भी पिनफॉल करवा सकते हैं, यानी कि अली या ऑस्टिन थ्योरी से भी पिनफॉल करवा सकते हैं, लेकिन तुम लोग को आने की जरूरत नहीं, तुम लोग चिल मारो,
सेथ को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। 3-on-1 मैच की जरूरत रॉकी को नहीं है, रॉकी 1-on-1 ही करेगा। भले ही दोनों आए भाई, चाय नाश्ता करो आराम से, और रिंग के अंदर भी आने की जरूरत नहीं है, आराम करो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो सेथ रॉलिंग जब लास्ट टाइम मेरे से कहानी में मिले थे, याद होगा आप लोगों को, तो सेथ मेरे से गुस्सा थे क्योंकि सेथ का मैं दुश्मन था, लेकिन इस बार दोस्त बन के जाऊंगा। भली बात में दुश्मन बनूंगा वो तो होना ही है, लेकिन अभी तो दोस्त बन के जाऊंगा भाई, तो सेथ अच्छे से मिलेंगे, सेथ की टीम में ज्वाइन कर लूंगा। तो सारी कहानी अब उल्टे टाइप से हम लोग खेलने वाले हैं, जो भी कहानी में ऐसा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सेथ वाली कहानी में ऑप्शन था। ये यार 2K ने ना मस्त काम किया, नहीं ये कहानी को आप दो बार खेल सकते हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और विलेन बनने में ज्यादा फायदा है, 3-on-1 लास्ट टाइम मैंने झेला था, इस बार अरे ये स्टंट होके जाना बहुत बेकार था, पता है। अच्छा ये हाई फ्लाइंग मूव्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं। काउंट आउट से नहीं जीतना है, पिनफॉल या सबमिशन ही से जीतना है। सेड्रिक भाई अंदर चल, इस बार तेरे को कोई बचाने भी नहीं आने वाला है। सेड्रिक को क्या लग रहा है, कोई बचाने आएगा? मुझे नहीं लगता है, मैच के बाद आ सकता है भले ही, लेकिन मैच के बीच में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि विन द मैच लिख दिया है, तो 99% चांस है कि मैच खत्म होगा। इस बार मिस नहीं किया। ऑस्टिन थ्योरी मत छूना, मेरा शिकार है, सेथ को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, चुपचाप से खड़े रहे, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मिकमैन यहाँ नहीं देख रहे हैं, सेथ देख रहे हैं ये मैच को। सेड्रिक की पूरी मैंने हेल्थ खत्म कर दी, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उंगली भी उठाना मत। ऑस्टिन थ्योरी चुपचाप से खड़ा रहा है। सेड्रिक अंदर चल ना भाई, मैच खत्म कर दे, कितना मार खाएगा। बाकी देखो दोनों तैयार है, अली और ऑस्टिन थ्योरी पीटने के लिए। ये मैच में सेथ को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि रॉकी भी ज्वाइन कर सकता है, और रॉकी बाकी तीनों नमूनों से ज्यादा अच्छा है, तो उन तीनों को निकाल के बल्कि रॉकी को रख लो, वो अलग बात है, बाद में मैं धोखा दे दूंगा, लेकिन वो तो बाद में होगा ना सर, इसलिए अभी ज्वाइन करवा लो। फिलहाल सेड्रिक को इतना पीट दिया है, ले भाई सर देख रहे हो ना पूरा मैच कितना पीटा है। स्टंट हो जाता सेड्रिक अगर ये मिस नहीं करता तो। चल आ जाओ भाई सेड्रिक ऊपर आ जाओ, मैच खत्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा पीट दिया है, फिनिशर दूंगा, मैच खत्म करूंगा भाई। सेड्रिक पागल ही होगा जो किक आउट करेगा, भाई मत करना यार, और अगर पिटना है तो कर देना, और पिटना है इसको, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, किसी को मैं नहीं बुलाऊंगा, अकेले काफी है भाई। रॉकी मैंने तो फिर भी सेड्रिक पे यार बहुत ज्यादा रहम दिखाया, नहीं तीनों ने मिल के मुझे मारा था, बहुत गंदी तरह से मारा था, बहुत लंबा मैच करवा दिया था, पिनफॉल ही नहीं करने दे रहे थे, जीत गया था मैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत लंबा मैच करवा दिया था, शायद एपिसोड 3 या 4 या 5 में ऐसे करके। आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा एपिसोड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। चल भाई अब तो पिनफॉल होना ही है, रेफरी अगर ये पागल होगा तभी किक आउट करेगा। 1-2 अब तो जीतना ही था। तो अली और ऑस्टिन थ्योरी चिल मारा ना, चाय वाई पी बाहर, सेथ देखा ना मैच को, अब ज्वाइन करवा लो मुझे फॉर द ग्रेटर गुड। तो आज के एपिसोड में जब तक सेथ मुझे अपनी टीम में ले नहीं लेते और सेथ मिलने नहीं बुलाते भाई, तो आज के एपिसोड हम लोग खत्म नहीं करेंगे, चाहे कितना भी देर लगे, सेथ से मिलना है मेरे को। सेड्रिक को पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया है, तो सेथ इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? चलो उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सेथ का क्या रिस्पॉन्स रहता है। बडी ने फिर से मैसेज किया है कि मैंने एलिमिनेट कर दिया सेड्रिक अलेक्जेंडर को, और अच्छा मैं सेथ से बात करूंगा। ओ भाई फाइनली सेथ ने मैसेज किया और मुझे डिसाइपल बना लिया है, ठीक है सेथ मैं तैयार हूँ चमचा बनने के लिए, फिलहाल के लिए सिर्फ सही डिसीजन मुझे लेते रहना है, फ्यूचर में और बड़ी चीजें होने वाली है। चलो इसको कंटिन्यू किया जाए, सेथ हो गए खुश भाई, ऑनरी डिसाइपल में बन चुका हूँ, ठीक है देखते भाई और कौन कौन सी स्टोरी बच गई है। सेथ से अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट हुई है, तो जो भी स्टोरीज मैंने 22 एपिसोड में नहीं की है उन सबको करेंगे। केन ये सब कर चुके हैं, हम्बर्टो वाला भी कर चुके हैं भाई, टाइटस और नील की स्टोरी नहीं की है, तो इनकी स्टोरी देखे जाए भाई क्या है, क्या दिक्कत है सर आपको। बेस्ट फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है, तो इस बारे मैंने रॉकी का भी बैकग्राउंड चेंज कर दिया, रॉकी MMA प्लेयर नहीं फुटबॉल प्लेयर रह चुका है, तो इसलिए रॉकी बोल रहा है कि मैं बेस्ट प्लेयर हूं। तो टाइटस ने बोला कि फुटबॉल करियर तो हम लोग नहीं जान सकते किसका अच्छा है, लेकिन रिंग में हम लोग चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको, तो चलो भाई कंटिन्यू किया जाए। टाइटस सुनील को मारने में मुझे दिक्कत नहीं, बस सर रिंग के नीचे मत घुस जाना। फाइनली मेरा एंट्रेंस देखने मिलेगा भाई, अब ये सिंगल्स मैच है तो फाइनली एंट्रेंस देखते हैं और टाइटस सुनील का चैप्टर खत्म करते हैं। अच्छा रोमन बिल गोल्डबर्ग ये सब भी एक्स फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो उसी तरह रॉकी और टाइटस सुनील WWE में आने से पहले एक्स फुटबॉल प्लेयर थे। अच्छा एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे बोलेंगे भाई रोमन भाई रग्बी प्लेयर है फुटबॉल प्लेयर नहीं था। From Mumbai, India,
weighing in at 269 pounds, the superstar. तो बाहर देश में रग्बी को ही फुटबॉल बोला जाता है और यहाँ जो हम लोग फुटबॉल बोलते हैं उसको सॉकर बोला जाता है, तो इसलिए इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। रॉ में आने के बाद ये मेरा फर्स्ट सिंगल्स मैच है रिंग के अंदर, वो बैकस्टेज वालों को हम लोग नहीं गिन रहे, वो मैच नहीं था, वो अटैक था। तो ये फर्स्ट सिंगल्स मैच है, टाइटस ओनील ढंग से आ जाना भाई रिंग के अंदर, रिंग के अंदर मत घुसना सर, पहले बोल दे रहा हूँ। अच्छा एक बनाना चाहिए था पता है कि टाइटस ओनील दौड़ते हुए आ रहे रिंग के नीचे चले गए, ऐसा एंट्रेंस बना देना चाहिए था, मतलब ऑप्शन देना चाहिए था कि हम लोग रख सकते हैं, मजा आता नहीं एक अच्छा ईस्टर एग हो जाता गेम के अंदर, ऐसे मजाक अपनी जगह पे। लेकिन टाइटस ओनील रियल लाइफ में बहुत अच्छे आदमी है, बहुत डोनेशन करते हैं और कैंसर कैंप के लिए बहुत मदद करते हैं, तो रियल लाइफ सुपरस्टार है भाई टाइटस ओनील। टाइटस ओ भी कर लो भाई एक बार चैट में। लेकिन सर मार तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये गेम है, तो जीतना तो मेरे को ही है। सेट देख रहे हैं, सेट एक एक मैच में सेट की नजर है। इस स्टोरी के बाद मैं सेट के टाइटल के पीछे जा रहा हूं भाई, और वो भी आज ही करूंगा, टेंशन नहीं लो। अब मैं वेट नहीं करवाने वाला आप लोगों को क्योंकि बाई नाइट स्पोर्ट बहुत दिन के बाद आया है, इसलिए एपिसोड्स लंबे होंगे भाई और बहुत सारे मैचेस रहेंगे उस एपिसोड में, तो इस बार आप लोगों को कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं दूंगा भाई मैं। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे माई राइस बोर्ड के लिए, तो एटलीस्ट 40 मिनट्स की वीडियो रहेगी कम से कम, ज्यादा मैं कोशिश करूंगा एक घंटे की बनाने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 40 मिनट्स काफी है माई राइस बोर्ड की वीडियो, क्योंकि इससे पहले मैं 30-35 मिनट्स की बना रहा था, लेकिन इस बार 40 मिनट्स की प्लस रहेगी हमेशा, जब तक कोई स्टोरी खत्म नहीं हो जाए। अब सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली 40 मिनट्स के ऊपर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा सारे एपिसोड्स 40 मिनट के ऊपर रहे। साथ में पिनफॉल करने का ऑप्शन दिया, करके देखता हूँ, होगा नहीं, लेकिन फंसा के पिनफॉल कभी भी हो सकता है इस गेम, पर ज्यादा पीटना पड़ेगा टाइटस को। अच्छा लास्ट टाइम जब मुझे सेट का टाइटल चाहिए था तो रॉयल रंबल में नंबर 2 पे मुझे भेज दिया था, लेकिन इस बार मैं डिसाइपल हूँ तो थोड़ा सा तो फायदा मिलना चाहिए भाई, नंबर 30 पे भेजना मेरे को, मजा आ जाएगा, बिना मेहनत किया टाइटल जीत जाऊंगा, क्या मजा ही मजा। ओ भाई मेरी हेल्थ देखो एक बार, टाइटस की हेल्थ देखो, और अब लगता है और रिकवर होने वाली, सिग्नेचर फिनिशर टाइटस का गेम खत्म है। सर फुटबॉल प्लेयर हो सकता है आप अच्छे हो, लेकिन रिंग के अंदर एक ही खतरनाक खिलाड़ी रह सकता है और इस रिंग के अंदर फिलहाल रॉकी है। चुपचाप से पिनफॉल करवा लो और हार जाओ मैच, रूप ब्रेक हो गया, मैं फिर से पिनफॉल करने जा रहा था, वो अलग बात है पिनफॉल नहीं होती, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा था, सिग्नेचर आ चुका है मेरे पास, आ जाओ भाई, रिवर्स मत करना सर, मैच हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। स्टंट नहीं हुआ है, स्टंट हो जाते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, फिनिशर है मेरे पास, फुल हेल्थ, स्क्वॉश कर दिया है टाइटस ओनील को, अब थोड़ा सा लगता है मारेंगे, टाइटस बदला लेने वाले हैं, रिंग के नीचे जाओ सर, बड़ा मजा आता है। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा ना स्क्रिप्टेड है, जो टाइटस ओनील रिंग के अंदर गए कुछ लेने गए, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं था, रियली में चले गए थे रिंग के अंदर। पिनफॉल कर भाई, खत्म कर, अब तो खत्म होना ही था, तो टाइटस ओनील बोला था कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर आप हो सकते हो, लेकिन रिंग के अंदर रॉकी बेस्ट है। सर देख रहे हो ना मैच, अब बुलाओ मुझे जल्दी मिलने के लिए, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई यार। टाइटस ओनील और रॉकी को देख के मैंडी रोज जो कि जीएम, उनको आइडिया आ गया, जितने भी WWE में फुटबॉल प्लेयर्स रह चुके हैं ना सबका मैच होने जा रहा है, रॉकी, टाइटस ओनील, टकलू कॉर्बिन, रियल कीथ ली, ये जो डीजा कोविक है भाई वो टी बार है एक्चुअली, बिगी, बिल गोल्डबर्ग और रोमन रेंस भी है। स्टोन कोल्ड और रॉक ने भी ट्वीट किया है कि ये दोनों भी फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन ये दोनों मैच में नहीं आएंगे, पर ये दोनों मैच देखते रहेंगे, चलो जीतना तो मेरे को ही है, बैटल रॉयल मैच है, कंटिन्यू किया जाए। अच्छा एक बात और, स्टोन कोल्ड ने लिखा है कि ये मैच देख के वो रिटायरमेंट से बाहर आना चाहते हैं, और रियल लाइफ में आपको याद ही होगा कि स्टोन कोल्ड केविन ओवन से फाइट करने के लिए इस साल रेसलमेनिया में सच में रिटायरमेंट से बाहर आ गए थे, तो 2K ने ये गेम बनाया होगा तो नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है कि स्टोन कोल्ड सही में रिटायरमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो इस बैटल रॉयल में बहुत लोग हैं, रोमन बिल गोल्डबर्ग ज्यादा खतरनाक है, ऐसे कीथली भी डेंजरस है। 2K20 में कीथली का रॉयल रंबल वाला ग्लिच याद है, खुद से बाहर हो जाते थे, और ये एक बार ही नहीं हर बारी का ग्लिच था, ये ऐसा था कि कीथली के साथ असाइन था ये वाला ग्लिच, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, कीथली पूरी तैयारी के साथ आएगा, और टी बार जो कि डीजे वाले बाबू यानी कि डीजा कोविक बन के आने वाला है इस मैच के अंदर, तो वो भी अब अनलॉक हो गया है, रोमन भी आ रहा है। अच्छा रोमन और कॉर्बिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार है, रॉ में क्या कर रहे हैं, एक दिन के लिए आए क्या, रोमन यूनिवर्सल चैंपियन है कहानी के अंदर और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन बिल्कुल बगा रहे हैं, अरे बहुत एंट्रेंस है यार, जल्दी जल्दी स्किप किया जाए, वरना मैं 2-3 एंट्रेंस होता ना बिल गोल्डबर्ग का एंट्रेंस जरूर देखता। डीजे कोविक यही है, टी बार कॉर्बिन आजा, किंग कॉर्बिन अपना मनहूस वाला, तो बैटल रॉयल मैच है भाई, हाफ टाइम हीट बैटल रॉयल,
सारे एक्स फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, यानी कि रग्बी प्लेयर रह चुके हैं। रोमन मेरे पीछे क्यों पड़ा? मैंने सोचा था कि रोमन, मैं और बिल गोल्डबर्ग लास्ट तक बचेंगे, लेकिन रोमन मेरे ही पीछे पड़ गया। रोमन पे मैं ध्यान नहीं देना चाहता। रोमन एक काम करो, किसी और मारो ना, मैं जा रहा हूँ बिजी कुमार, डीजे को भी कुमारो ना, डीजे वाले बाबू को। रोमन मेरे ही पीछे पड़े, मैं क्या करूँ भाई, अब कुछ नहीं कर सकते रोमन, सॉरी। इससे पहले रोमन मेरे को एलिमिनेट कर दे, इतनी ज्यादा भीड़ है भाई मैच के अंदर, 8 के 8 प्लेयर्स हैं, आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर दो, प्लीज एक आध एलिमिनेशन करो भाई। रोमन को मैं स्टार्टिंग में नहीं मारने वाला था, मैं लास्ट तक बचा के रखता रोमन को, लेकिन नहीं, रोमन मेरे पीछे पड़े। रोमन जो हाँ किसी और मारो, मेरी तरफ है ना, मेरी तरफ है, हाथ धो के ना, हाथ धो के पीछे पड़ गया, बाहर भी जाने का नाम नहीं ले रहे। इतने प्लेयर्स रोमन बाहर हो रहे यार, टीचर कोविक बाहर हो गया है, डीजे वाले बाबू अब गाना जाके बजाएंगे भाई बैक स्टेज में, वो बाहर गया। अब बिगी भी खाली हो, बिगी भी मेरे तरफ आ रहे, बिगी 2-on-1 मैच नहीं करना यार, मैं टाइटस सुनील को मारूंगा। टाइटस सुनील की वजह से ये हाफ टाइम हिट बैटल रॉयल हो रहा है। चाह रहा हूं भाई कि लास्ट तक रोमन या बिल गोल्डबर्ग बचे या टकलू कॉर्बिन, नहीं कॉर्बिन को तो स्टार्टिंग में बाहर कर दो भाई, वरना मेरा बैटल रॉयल खराब करवा देगा। किसी और पे मैं ध्यान दे दूं, लेकिन मैं जा भी रहा हूं ना दूसरी तरफ, तो रोमन मारने आ जा रहे हैं। रोमन जॉन किसी और को मारो, पूरे मैच में मेरे पीछे पड़ गए रोमन यार। ऐसे भी मैं अभी रॉ में हूं, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप में मेरा ध्यान नहीं है, ऐसे भी इसको मार सकता हूं। बिल गोल्डबर्ग की तरफ जा रहा था, पहुंच नहीं पाया, सब आपस में बिजी हो गया। अरे वाह, ये तो मेरे लिए छुट्टी का टाइम है, मारो मारो सब एक दूसरे को। कॉर्बिन पकड़ा गया मेरे से, फाइनली आ जा भाई, मनुष्यों के किंग। कॉर्बिन के साथ दौड़ के क्लोज लाइन वाला रिस्क नहीं लूंगा, वरना ये रिवर्स करके मेरे को बाहर कर देगा। क्या 3-5 कर रहा है मेरा, ओके डायरेक्ट बाहर, नहीं नहीं सिग्नेचर आने वाला है कॉर्बिन, मेरी तरफ से जाना मत। अरे बिगी, कॉर्बिन से लड़ने दो ना चुपचाप से, पड़े रहो। बिगी को बाहर कर ही देता हूँ, बिगी की हेल्थ भी खत्म हो ही गई, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। अरे बिगी, ये टूके ने ना ड्रैग करने में भी रिवर्सल बना दिया है, जो कि अच्छा है, लेकिन अब ड्रैग करने में भी सोचना पड़ता है। फिनिशर बिगी टाटा, मेरा फिनिशर चला गया, लेकिन बिगी बाहर चले गए, 6 आदमी लोग बचे हैं। टाइटस सुनील, अभी अभी एक मैच पहले प्रूफ किया था कि बेस्ट प्लेयर कौन है, फिर आ गया है। कीथ ली देखो, कॉर्बिन को बाहर मत करना, कॉर्बिन को मैं बाहर करूंगा। रोमन और बिल गोल्डबर्ग आपस में भिड़ गए, लड़ते रहो, अच्छा ही है। टाइटस के पास ओ सिग्नेचर है भाई, सिग्नेचर छीन सकता हूँ, ये कीथ ली मेरे पीछे पड़ गया। अब कॉर्बिन बाहर कर, बाहर कर, अरे कॉर्बिन कोई काम का नहीं, क्या क्या कर रहा है, उल्टी सीधे का। हाँ फाइनली, चलो एक आदमी तो बाहर किया कम से कम, 5 आदमी बचे हैं, जिसमें कॉर्बिन भी एक आदमी है। वो मेरी ही तरफ आ रहा था क्या कॉर्बिन? मनुष लास्ट तक मत बचना, बाहर हो जाए चुपचाप से। रिंग के कॉर्नर वाला फिनिशर हटा दिया है टूके ने। जीत ली, अभी अभी दिमाग मत खराब करना जॉन, प्लीज कॉर्बिन को मार दे तो चैंस है, मेरे पास सिग्नेचर भी आने वाला है। कॉर्बिन को स्टंट करूंगा, बाहर कर दूंगा, खत्म करूंगा कॉर्बिन का खेल। अच्छा कीथ ली भी इसी पीछे है, अरे मैं बाहर कर ही रहा था। रोमन और बिल गोल्डबर्ग भी तो लड़ रहे हैं, जाके लड़ो ना उन दोनों से। ठीक है बाहर करोगे तो ठीक है, होने वाले नहीं थे मुझे लगा ही। कॉर्बिन आ जाओ भाई, आ जाओ, तेरा टकला चमकाता। रोमन ने बिल गोल्डबर्ग को बाहर कर दिया और ये गया कॉर्बिन बाहर। फाइनल 3, कीथ ली, रोमन और मैं। बैकस्टेज में सर सब देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि उनका डिसाइपल देखो कितने अच्छे काम कर रहा है। रोमन यूनिवर्सल चैंपियन को बैटल रॉयल में हराने वाला हूं। सारे एक्स फुटबॉल प्लेयर में भी सबसे बेस्ट रॉकी ही निकलेगा, बस रोमन को बाहर करना है। मेरे पास फिनिशर सिग्नेचर आ ही गया ऑलमोस्ट, कीथ ली सिग्नेचर खा ले भाई, फिनिशर। अरे कीथ ली स्टंट है, रोमन 1 सेकंड का टाइम दोगे ना मैं कांड कर दूंगा। रोमन टाइम ही नहीं देता यार, रोमन ने कीथ ली स्टंट था, क्लोज लाइन मार के बाहर कर सकता था। रोमन ने मुझे ही स्पीयर चिपका दिया। रोमन, ओ भाई, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर भी रोमन ही को बनना है। अभी मैं बाहर हो सकता हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। कैसे तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, मैं स्टंट था। रॉ रंबल बैटल रॉयल में स्टंट होना ना मतलब डिफेंस आपका छिना जाएगा, फिर तो बाहर जाना ही है। बच गया मैं किसी तरह। कीथ ली लगता है रोमन को बाहर करने वाले। रोमन कीथ ली को मैं देख लूंगा, रेस्ट करो, मैं देख रहा हूं कीथ ली को। रोमन मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे हैं, रोमन प्लीज। हाँ रोमन भी स्टंट हो गया, अरे वाह।
ये डबल डोज हो गया, नहीं रॉकी चीत क्या भाई। मजा आ गया। तो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर रॉकी निकला। सर देख रहे हो ना, WWE टाइटल मैच ना सही, लेकिन अब 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है रॉकी। रॉ में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को बैटर रॉयल में हरा दिया है। कमेंटेटर लोग नहीं बैठे हुए थे रिंग के कॉर्नर में। अच्छा सेथ मिलने आ गए। सेथ ये कराटे के कपड़े क्यों पहने हुए? सेथ ये क्या कर रहे हो? ये किस लाइन में आ गए सर? मेरे से मिलने आया सेथ। The Royal Rumble is right around the corner, but for some reason you've been unusually silent about it. I'm still deciding what I want to do. If you're going to be even loosely associated with us, then we need full transparency. So are you going to attempt to qualify or no? तो सेथ पूछ रहे कि रॉयल रंबल आने वाला है, क्या तुम क्वालिफाई करना चाहते हो? हाँ बोल देता हूँ। I think it would be a mistake if I didn't. Okay. Well, good news. I already spoke to Mandy Rose and got you in a 10-man Royal Rumble qualifying match tonight. It pays to have friends in high places. Yes, it does. तो सेथ ने मैंडी रोज से बात करके मेरी सेटिंग कर दी है। 10-man Royal Rumble match आज रॉ में होगा, और अगर उसको मैं जीत गया तब मैं 30-man Royal Rumble match के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो थैंक यू सेथ। लेकिन रॉ रंबल से अच्छा कोई इजी मैच दे देते यार। जब सेटिंग कर ही रहे थे तो सिंगल्स मैच में दे देते मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 10 मैन जीत के मुझे नंबर 30 पे आने का मौका मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अभी नंबर 1 ही पे भेज दिया मेरे को। सह लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन सेथ 30 नंबर पे जुगाड़ करवा देना। और सेथ पक्का, मैं जान रहा हूँ सेथ क्या बोलने वाले हैं, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं। क्लोज लाइन एक बार रिस्क ले लिया क्योंकि एक नंबर पे आया था। अब इसके बाद ये वाली हरकत नहीं करूंगा जब तक सामने स्टंट नहीं हो। तो मैं बोल रहा था भाई, ओके AJ Styles द हैकर, आने दो AJ Styles को, AJ आ जाओ। अब सबको क्लोज लाइन मार मार के बाहर नहीं कर सकते। एक बार लग काम हो गया है, लेकिन 90% टाइम ये लोग रिवर्स करके क्लोज लाइन मारने वाले को बाहर कर सकते हैं। तो ये रिस्क हम लोग बार बार नहीं लेंगे। ऐसे मुझे पता है रॉयल रंबल में अगर जीत गया ना तो सेथ मेरे को बोलेंगे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन को चैलेंज करने के लिए, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, पता नहीं क्या, या NXT में भी जाने बोल सकते हैं कि NXT चैंपियन को जाके चैलेंज करो। तो ये बटिस्टा और ट्रिपल एच वाली कहानी बनने वाली है। याद है जब बटिस्टा रॉयल रंबल जीते थे और वो ट्रिपल एच की टीम में थे इवोल्यूशन, तो बटिस्टा ने बोला था कि WWE चैंपियन JBL को चैलेंज करो। तो वही थोड़ी उस टाइप की थोड़ी बहुत। 4 नंबर पे एंजेलो डॉकिंस। ये 10 मैन रॉ रंबल याद रखना, फिर से बता दे रहा हूं, ये क्वालिफाइंग मैच है सिर्फ, ये रॉ में हो रहा है। रॉ रंबल इसके बाद होगा। अगर मैं इसमें क्वालिफाई कर गया तो, यानी कि इसमें मुझे जीतना पड़ेगा, तब मैं 30 मैन रॉ रंबल मैच के लिए क्वालिफाई करूंगा। और उसमें तो 30 नंबर पे भेजेंगे सर। लास्ट टाइम आई थिंक 2 नंबर पे भेजा था, मतलब 2 और 1 तो एक ही होता है, ऐसा कोई 1 और 2 में कोई खास डिफरेंस है नहीं। 1 और 2 को बोलना ही नहीं चाहिए 1 और 2, दोनों को 1 ही बोलना चाहिए, क्योंकि 2 सुनने में बुरा लगता है कि अरे 2 पे आके जीता, 1 सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली 1 और 2 तो भाई रॉयल रंबल के लिए एक ही जैसा है। तो ये रूल किसने बनाया मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बेकार है, क्योंकि सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है कि 1 पे आके रॉयल रंबल जीता। ओटिस जाना है जेलो टॉकिन से लड़ना, सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। 3-on-1 मैच नहीं है, बेवकूफ ओटिस। अच्छा खासा भी AJ Styles के ऊपर कोई हाई फ्लाइंग मूव दिखाता नहीं, ओटिस को बीच में आके कुछ कांड करना था। एंजेलो डॉकिंस मजे ले गया, ऐसे AJ Styles ने रिवर्स कर दिया, अच्छा हुआ। ऐसी हैकर थोड़ी बोलते हैं भाई AJ Styles को। सिग्नेचर खाएगा भाई, रिंग के कॉर्नर में भी मेरा सिग्नेचर है। ओटिस रिवर्स नहीं कर सकता, छिपे शेल्टन, और ओटिस ने रिवर्स कर दिया, मेरा सिग्नेचर खा गया बदतमीज आदमी। 6 नंबर पे शेल्टन बेंजामिन, इसके बाद 4 आदमी लोग और बचे, टोटल 10 मैन रॉयल रंबल। यार जो आ रहा है पहले मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, एक तो मैं शुरू से आया, ऊपर से शर्म नहीं आ रही है तुम लोग को। जो 2 में मेरे साथ आया था या 1 में सपोज हो, वो तो बाहर हो गया, यानी सबसे शुरुआत से मैं हूँ। मुझे ही आके जो भी फ्रेश आदमी रहता है मेरे ऊपर आके हाथ साफ करता है। शेल्टन सर गलत कर रहे हो यार, फ्रेश हो, AJ Styles को मारो ना, AJ द हैकर को निकालो रिंग से। रिंग भरते पे भरते जा रहा है और कोई बाहर भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को, मुझे बाहर मत कर देना। मेरे बोलने का मतलब है कि आपस में एक दूसरे को बाहर करो। 7 नंबर पे आठरूत, इसके बाद 3 आदमी लोग और बच गए हैं। आठरूत व्हाट्सअप 24/7 चैंपियनशिप से लेकर अब रॉयल रंबल भी जीतने आ गए हो सर, क्वालिफाई करने आया आठरूत रॉयल रंबल में। क्लोज लाइन से यार, काश 2K20 होता है, इतना अभी तक तो आधा रिंग खाली कर चुका होता। नहीं भाई, एक्सट्रीम मोड में भी रहे ये क्लोज लाइन वाला जो सिस्टम है ना, कितना बार रिवर्स करेंगे, एक बार दो बार, बाहर तो जाना ही पड़ता है। आठरूत भाई आया क्यों था आठरूत, नीचे तो हैकर ने बाहर कर दिया भाई बेचारे आठरूत को बिना मारे पीटे। 8 नंबर पे डॉल्फ ज़िगलर, AJ ओपी है यार, कुछ ही बोले, अलग ही हैक लगा के रखा है भाई ने।
मेरे मुंह से खून निकल गया। अब ये मैच खून पसीने का मैच होने वाला है। शेल्टन छोड़ देना यार पीछा, ऐसे ये ब्लड के साथ रॉकी ना और अच्छा लग रहा है, रॉकी का फेस और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है फेस टैटू है। शेल्टन मुझे बाहर करने वाले थे, शेल्टन बाहर होने के लिए नहीं आया है। सेथ का डिसाइपल, रॉ रंबल क्वालिफाइंग मैच है ये, उसके बाद रॉ रंबल भी जीतना है 30 नंबर पे आके, वो अलग बात है। आराम से जीत जाऊंगा भाई। 9 आइवा, इसके बाद एक और आदमी बचे हैं, ये लोग फाइनल लोग हैं। शेल्टन बाहर भी नहीं जाता है, रिवर्स पे रिवर्स रिंग भरते जा रहा है, मेरा भरता निकलने वाला है। ओटिस बाहर जा, अरे कोई तो बाहर, डॉल्फ सिग्लर यार। एजे स्टाइल्स भी अभी तक टिके हुए, 3 नंबर पे आए थे मेरे साथ। एजे को भी कोई बाहर नहीं कर पा रहा है। एजे स्टाइल्स एंजेलो डॉकिंस को बाहर करने वाला, अरे जाके कोई मदद करो यार एजे स्टाइल्स की। एक ही तो आदमी जो बाहर करने पे विश्वास रखता है, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं एजे स्टाइल्स, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम्बर्टो आया भाई 10 नंबर, फाइनल लोग ये फाइनल है, अब यही लोग हैं। 8 आदमी रिंग में भरे हुए हैं, ये फिर से बैटर रॉयल हो गया, लेकिन ऐसा बैटर रॉयल जिसमें सबसे ज्यादा मैं पिटा हुआ हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हूँ। ये फिर से 8 मैन बैटर रॉयल हो गया है। दर्द तेरी फिनिशर शेल्टन गया था बाहर, मजा आया, तब से परेशान कर दिया था। एंजेलो डॉकिंस को मैं बाहर कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, स्टंट आदमी है, मैं बाहर कर लूंगा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। छोड़ दो मेरे ऊपर, छोड़ दो, मैं कसम से बाहर कर दूंगा एजे स्टाइल्स, जाओ आराम करो। अरे बच गया, अभी बचा नहीं, बाहर कर सकता हूँ बाहर, चलो ठीक है। एजे स्टाइल्स भी टिके हुए अभी तक मेरे साथ, बहुत बढ़िया। एजे एजे और मैं मिलके ना पूरा रिंग खाली कर दूंगा, उसके बाद मैं एजे को बाहर कर दूंगा। आई बार टाटा, अरे बच गया भाई साहब, सही है। कब तक बचोगे? 6 आदमी बचे। अरे एजे स्टाइल्स अच्छा खासा टीम अप किया हुआ था, दोनों मिलके बाहर करते ना। एजे के पास फिनिशर तो नहीं है ना, नहीं सिग्नेचर है, लेकिन एजे स्टाइल्स मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, हैकर है ना, मेरी वाट लगा सकते हैं जीते हुए रॉ रंबल में। एजे स्टाइल्स सिग्नेचर, सिग्नेचर खाना बनता है सर। ओटिस ने रिवर्स कर दिया था, एजे ऐसे नहीं है, एजे अच्छे आदमी है, एजे ने भी रिवर्स कर दिया। क्या क्या कहते हैं आदमी यार, रिवर्स कर दिया एजे ने भी। 2 सिग्नेचर मेरा इस मैच में छिला चुका है, 2 सिग्नेचर देता 2 फिनिशर आ जाता, यानी कि 2 लोग को डेफिनेटली मैं बाहर कर देता, क्लोज लाइन मार के बाहर नहीं कर सकता। बहुत अफसोस होता है भाई ऐसे टाइम्स में, 2020 याद आता है बहुत ज्यादा, रॉ रंबल के टाइम में खास करके। टू के 20 को कौन कौन मिस करा भाई, चैट में बताना मेरे को। 2 साल का सफर रहा भाई 2K20 के साथ, 2019 के एंड से मैंने खेलना स्टार्ट किया था और अभी इस ईयर तक खेलते रहा हूँ, फरवरी 6 मार्च तक खेला है। आपस में सब लड़ रहे, मेरे लिए रास्ता क्लियर है, मैं चुपचाप से रहता हूँ, शांति से रहने का दिल नहीं करता। इतने इतने लोग दिख रहे हैं, किसी को तो पिटूंगा ही मैं। हाई फ्लायर बना के ना बड़े खतरनाक मूव मिल गए, देखने में मजा आ रहा है, खेलने में तो आ ही रहा। और ये मेरा फिनिशर भी छीन लिया एजे स्टाइल्स ने, हद आदमी है यार, ये क्या बात हुई। रॉ रंबल मैच में अगर गलती से मुझे एजे स्टाइल्स मिल गया ना, तो अपना सिग्नेचर फिनिशर एजे को नहीं दूंगा, ऐसे ही मार मार के स्टंट करके बाहर कर दूंगा। सिग्नेचर फिनिशर खाऊ आदमी है एजे स्टाइल्स, एक सिग्नेचर एक फिनिशर खा चुके हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इस मैच में एक और सिग्नेचर देने की ट्राई करूंगा और वो भी रिंग के कॉर्नर ही वाला, शूटिंग स्टार प्रेस भी नहीं देने देते। डॉल्फ ज़िगलर नहीं, मेरे पीछे मत आओ, एजे स्टाइल्स में मैं ध्यान दे रहा था। ओटिस ऐसे बहुत पिट गया, ओटिस बाहर जा सकता है। मेरा सिग्नेचर एजे स्टाइल्स, मैंने बोला था सिग्नेचर एजे स्टाइल्स को ही, ओटिस को मैं बाहर कर सकता था लेकिन नहीं, पहले बदला। अच्छा ये ओटिस आराम करो, बीच में मत आना, मैं देख लेता हूँ एजे स्टाइल्स को, तब तक ये क्या क्या कर रहे हैं एजे स्टाइल्स। एजे के पास फिनिशर तो है, अगर फिनिशर चिपकाया ना मेरे को तो मैं बाहर हूँ, रिवर्स भी नहीं कर पाऊंगा। जल्दी स्टंट खत्म होना, डॉल्फ सोने भी नहीं देता, अरे आराम करने देना यार प्लीज डॉल्फ। क्या दे रहा था, सिग्नेचर दे रहा था क्या? मेरा ध्यान एजे के ऊपर है, एजे को जब तक मैं सिग्नेचर नहीं दे देता हूँ भाई, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ एजे अच्छा ही हुआ मेरी तरफ आ गया, मैं वेट ही कर रहा था। अरे एजे के मूव्स में यार डबल रिवर्सल क्यों नहीं आता है, ये क्या बात हुई।
बाकी सब में तो आता है, मेरे मूव से तो पक्का आता है डबल रिवर्सल, मेरे सिग्नेचर में भी दूसरा रिवर्सल है। इजी आप रिवर्स मत करना, पतला टाइम है ये, और यही सिग्नेचर। अरे इस बार ये छीना नहीं है, रिवर्स किया लेकिन सिग्नेचर छीना नहीं है। टॉप रूप से अगर रिवर्स कर देना तब मेरा सिग्नेचर छीनाएगा, मत छीना एक बार बनता है सर, प्लीज फैन डिमांड है, सिग्नेचर देखते दो अपने को। चलो ठीक है, रिवर्स नहीं किया, लग तो नहीं रहा है, नहीं किया फाइनली AJ Styles ने, और AJ स्टंड है। ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा AJ द हैकर को बाहर करने का। AJ हैक दबा के कहीं स्टंड मीटर हटा मत देना, ठीक है। AJ को मैंने फिनिशर ही दे दिया, फिनिशर देने की जरूरत नहीं थी लेकिन मजा आया। टाटा AJ Styles, डॉल्फ ओटिस और हम्बर्टो बचा, लेकिन ओटिस अभी बाहर जाने वाला है, हेल्थ खत्म है ओटिस, टाटा निकल जा भाई। डॉल्फ जिगलर, इट शुड बी मी, बोलना मत इस मैच में हारने के बाद। डॉल्फ जिगलर का था ना एक बार बीच में, इट शुड बी मी, बहुत मीम बना था, अभी भी बनते रहता है कि मुझे होना चाहिए था हर चीज में। डैनियल ब्रायन की जगह शायद खुद को बोल रहे थे इट शुड बी मी, तो इस मैच में हारने के बाद मत बोलना। हम बटो भाई, तू अपने साइज के हिसाब से ज्यादा नहीं कर रहा है, तो मेरे आसपास ही साइज लग रही है, बॉडी भली मेरी ज्यादा है। चल बहुत हो गया, हम बटो मजे ले रहा है, एक नंबर से है रॉकी। दोनों ही भाई हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है, दोनों को मिस कर गया था, ऐसा ऐसा हो जाता है, मिस फायर हो जाता है। डॉल्फ आ जा भाई, इसमें एक नंबर से क्वालिफाई करने मिला है ना, तो पक्का मुझे जहां तक लग रहा है कि 30 मैन रॉयल रंबल मैच में मुझे 30 नंबर या फिर 25-24 ऐसे करके भेजेंगे सर, अपना जुगाड़ लगा के। सर अच्छे आदमी डिसाइबल बनने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी दो ही नंबर में भेजा था जानबूझ के, उस टाइम तो जानबूझ के भेजा था, दुश्मन थे ना, लेकिन इस बार दोस्ती है, तो सेट इस बारी भाई 20 के बाद भी भेज दो, मैं काम चला लूंगा, ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि 20 छोड़ो 15 के बाद भी भेजेंगे ना सर, तो मैं जुगाड़ निकाल लूंगा भाई, आराम से जीत जाऊंगा। जब दो नंबर से रॉकी जीत गया तो 15 नंबर से तो जीत ही जाएगा। हम्बर्टो बाहर जाने के लिए तैयार हो, कि हम्बर्टो बार बार मिस करेगा भाई, दोनों के पास एक एक दो दो फिनिशर, मेरे पास नहीं ले भाई, फिनिशर बस आने ही वाला है, एक आदमी को बाहर कर सकता हूँ, डॉल्फ बच जाएगा, लेकिन डॉल्फ पास दो दो फिनिशर है। चलो ठीक है, स्टंड है भाई, भाई बाहर हो सकते हैं अभी, डॉल्फ उठना मत, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं अभी अपने को, ये तो बाहर ही है। टाटा डॉल्फ आजा, कम ऑन डॉल्फ, क्वालिफाई करना है ना रॉयल रंबल मैच में, रॉकी को बाहर कर दे भाई, क्वालिफाई हो जा, फिर बोलना नहीं पड़ेगा इट शुड बी मी। डॉल्फ के पास दो दो फिनिशर है, ये खतरा है मेरे लिए, और एक सिग्नेचर और तीसरा फिनिशर भी आने ही वाला है, जिसमें से एक भी फिनिशर मुझे लगा है मेरा टाटा हो जाएगा, डॉल्फ को संभलने का मौका ही नहीं देना है। सिग्नेचर खा लेना भाई, चीटिंग मत करना, AJ Styles और ओटिस की तरह रिवर्स मत करना। डॉल्फ अच्छे आदमी, देखना रिवर्स नहीं करेंगे, बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया स्टंड हो गया, अरे वाह, और क्या चाहिए, फिर तो हो ही गया कांड, और क्या चाहिए अब। चलो ठीक है, क्वालिफाई कर गया रॉकी, 30 नंबर पे सेट, बस बोल दो कि 30 नंबर पे मैं जाने वाला हूँ। एक नंबर पे आके 10 मैन रॉयल रंबल रॉकी जीत गया है, तो इसलिए अब 30 मैन रॉयल रंबल मैच में तो ऑब्वियसली पीछे ही भेजना मेरे को, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। नाइस वर्क, ओ थैंक यू सर, क्वालिफाई मैं कर गया हूँ, हैशटैग द ग्रेटर गुड। तुरंत मर्फी ने मैसेज किया, भाई मैं छोटी वाली चम्मच हूँ, ये जो मर्फी है ना ये बड़ा वाला चमचा है। सेट आए मैं मेरा क्वालिफाइंग नंबर बताने के लिए, सेट 30 बोल दो, मजा आ जाएगा, अभी खेल लेंगे रॉयल रंबल, जल्दी बोलो 30। Don't want to ruin your big night, but I have some bad news and thought you should hear it from me first. कुछ बुरी खबर आ रही है यार, क्या बुरी खबर है? What's going on? निकाल दिया क्या मुझे रॉयल रंबल से? Management has started drawing entry numbers for the Royal Rumble, and I found out that you drew number 2. Ah, भाई साहब. I know. I tried talking to Mandy, but she couldn't change it. There's only so much power I have around here. But look, I was in the same spot in 2014. I can't remember. Did you win? No, but I lasted nearly 50 minutes, making it to the final 5. But you can do more. You can win. I know it. And then after that, at WrestleMania, you defeat the Universal Champion from SmackDown, and we control WWE together. Sounds like a plan. You're damn right it does. फिर से दो नंबर पे रॉयल रंबल पे भेजा जा रहा है भाई, WWE मैनेजमेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे पक्का सेट का हाथ है, दोस्त बनने के बाद भी ये आदमी कांड कर रहा है मेरे साथ।
तो सेथ ने बोला है कि रॉ रंबल जीतो और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन को हरा के WWE हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो आज के एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं भाई, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले बताना कि आपको आज रॉकी का लुक कैसा लगा, आज की स्टोरी कैसी लगी। अभी ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हम लोग सेथ का टाइटल नहीं छीन लें दोबारा से, लेकिन इस बार स्टोरी अलग रहेगी। तो चलो भाई, ख्याल रखो, सेफ रहो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं रात में भी आज लाइव आऊं। तो ख्याल रखो, सेफ रहो, बाय बाय, टेक केयर।